आज के आधुनिक व तकनीकी युग में प्रदेश में आई शिक्षा की नई क्रांति राज्य सरकार की देन है। यह बातें भाजपा विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने मंगलवार को सिमरी मध्य विद्यालय परिसर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल के अतिरिक्त भवन का शिलान्यास के दौरान कही। कहा, 1 करोड़ की प्राकृत राशि निर्माणाधीन भवन में 5वीं से 8वीं कक्षा के बालिकाओं को आवासीय शिक्षा की व्यवस्था केंद्र व राज्य सरकार के समन्वय से मुफ्त सेवा दी जाएगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र ठाकुर ने कहा, शैक्षणिक माहौल के बीच बच्चों में बाल्यकाल से संस्कार देने में कस्तूरबा स्कूल सहायक साबित होगा। जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के साथ अभिभावक को सजग रहने की आवश्यकता है। मंडल भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव दास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विधायक प्रतिनिधि अजीत झा ने समारोह का संचालन कर कहा, एनडीए कार्यालय में विकास की गति गांव-गांव में दिख रहा है। भवन की गुणवत्ता की निगरानी को लेकर सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव व विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा की ओर से कमेटी का गठन कर भाजपा जदयू समर्थक को शामिल किया जाएगा। भाजपा पंचायत अध्यक्ष चित्रंजन मंडल व बजरंग दल अध्यक्ष जितेंद्र राय ने आगत अतिथि को पाक चादर से सम्मानित किया। मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अब्दुल कलाम, जिला महामंत्री बिमलेश चंद्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव, जटाशंकर सिंह, रामाशंकर सिंह, राम बाबू साह, उप मुखिया सत्तू ठाकुर, पूर्व सरपंच दीपक महतो, शंकर महतो, फरीद खान, राम लला ठाकुर ने विचार रखे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सिमरी में स्थित मध्य विद्यालय जो पूर्व से भी चल रहा है और इसी में कस्तूरबा विद्यालय भी पूर्व से चल रहा है, जिसके नए भवन के शिलान्यास से तो राज्य सरकार ने 3.5 करोड़ की राशि मुहैया की है और नए भवन का निर्माण होना है। उसी शिलान्यास के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं और मैं संवेदक एवं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी भवन बने उसका उचित मात्रा, जो उचित मसाला, जो उचित सीमेंट, लोहा, छड़ जो प्रॉपर होता है उसमें वो दे। यहाँ के कार्यकर्ता भी उसका समय समय पर अवलोकन करते रहें और कोई तरह की समस्या आवे तो हमें वो दूरभाष से खबर करें, क्योंकि काम अच्छा होना चाहिए। ये भवन क्योंकि 3.5 करोड़ की लागत से बन रहा है और कई एक जगह देखा गया है कि भवन बनने के 1-2 साल के बाद ही जर्जर होने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सब इसका मॉनिटरिंग करें, क्योंकि आप लोग यहाँ के निवासी हैं, आप लोगों को इस प्रांगण की देख रेख करनी है। 8 छात्राओं के लिए रहने के लिए यहाँ आवासीय प्रबंधन सभी किया गया है। 60 छात्राएं यहाँ रहेंगी और यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे। खुशी के साथ हमको इस बात से खुशी हो रही है, इस स्कूल के हम विद्यार्थी रह चुके हैं, हम अपनी प्रारंभिक पढ़ाई यहीं से शुरू किए थे। आज इस स्कूल में इतना अच्छा अच्छा भवन बन रहा है इसमें, और खास करके इस भवन का जो आज शिलान्यास हो रहा है, ये भवन लड़कियों के लिए रहने वाला सुविधा समेत स्कूल बन रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और सरकार का ये सराहनीय कदम नया भविष्य, नया बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सराहनीय कदम होगा। साथ में हमारे विधायक सांसद महोदय का भी इसमें योगदान सराहनीय है। इन लोगों को भी हम कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं जो हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास हो रहा है और इसके लिए हम सरकार और तमाम जनप्रतिनिधि का धन्यवाद। विधानसभा अंतर्गत सिंहबारा प्रखंड में आज से 1 सप्ताह पहले भी शिलान्यास का कार्यक्रम 3 सड़क का हुआ था। उस दिन भी मैंने कहा था जो कोरोना के चलते कुछ विलम्ब हुआ था, लेकिन अब विकास अपने रफ्तार की ओर बढ़ रहा है और आप आने वाले वर्षों में देखिएगा जो केवटी में विकास का जाल बिछा दिया जाएगा। हमारे माननीय विधायक जी, हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, ये सब विकास के लिए ही सचेत रहते हैं और विकास के प्रति ही इनकी सोच रहती है और दिन रात ये यही सोचते हैं जो हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कैसे हो, इसके प्रति प्रयत्नशील हैं और बहुत जल्दी यहाँ की जनता को कोई ऐसी समस्या विकास संबंधी नहीं रहेगी जो निराकरण नहीं हो जाएगा।